सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के मनातू प्रखंड अंतर्गत रंगिया पंचायत के कुंडलपुर गांव बुनियादी सुविधाओं से आज विवंचित है। लगभग 80 घरों वाले बस्ती में यहां 300 लोग रहते हैं, लेकिन आजादी की 7 दशक गुजर जाने के बाद भी यहां न तो पक्की सड़क पहुंची और न ही बिजली। ग्रामीणों ने कहा कि जन प्रतिनिधि मात्र विकास करने का दम भरते हैं, लेकिन जिम्मेवारी मिलते ही हकीकत से भी अपना नाता तोड़ लेते हैं। कहा कि पगडंडी के सहारे स्कूली बच्चे अपने विद्यालय जाने को मजबूर होते हैं, जबकि बिजली के अभाव में गांव में शाम से ही खूब अंधेरा छाया रहता है। कहा पक्की सड़क के अभाव में ससमय इलाज नहीं होने से अब तक कई मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि जहां चाहे वहीं रहा, अब ये पहाड़ का सीना चीरकर प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने का मार्ग बनाकर वे सरकार को आईना दिखलाना चाहते हैं। कहा यह अति नक्सल प्रभावित इलाका है और ऐसे में यहाँ के लोग बिहार से सटे सलिया एवं प्रदेश के मनातू गांव में पहुंचकर अपना राशन पानी की व्यवस्था करते हैं। पानी की समस्या पर भी ग्रामीणों ने अपनी व्यथा कही और सरकार और प्रशासन से समुचित पहल करने की मांग की। तरहसी से हमारे सिटी न्यूज संवाददाता सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। आप लोग कई घर है यहाँ? 4-5 घर गोती होते सर। ये कुंडलपुर में 4-5 घर हैं। हाँ। सरकार के द्वारा कोई फायदा मिला आप लोग? का 4 राशन मिलता है। कुछ कितना राशन मिलता है? वही 30 किलो कोटा वाला। कोटा वाला? हाँ। कोटा वाला मिलता है। इसके अलावे जो और कोई सुविधा सरकार के द्वारा बहुत सा दिया गया है आप लोगों के लिए, तो कोई सुविधा नहीं? नहीं नहीं मिला सर। नहीं मिला। इंदिरा आवास वगैरह? नहीं। वृद्धा पेंशन? नहीं। कुछ नहीं? नहीं।